सुनिए तो क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये बताया गया कि अलग अलग एलिमेंट्स को उसके एस आर पी वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में जब हम उसको सजाते हैं तो हमको एक सीरीज मिलता है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं सबसे टॉप पर देखिएगा लिथियम लिखा हुआ है जिसका रिडक्स एस आर पी मान सबसे कम है और सबसे बॉटम लाइन पे वहाँ फ्लोरीन लिखा हुआ है जिसका एस आर पी वैल्यू सबसे अधिक तो पिछले क्लास में आप ये टेबल पढ़े थे इस टेबल का थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब आप पढ़ेंगे तब अभी फ़िलहाल एक छोटा सा बात बचा हुआ है इसका हेडिंग डालिए यूज ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मात्र एक दो गो यूज है इसका कुछ ज्यादा नहीं है इसमें सुनिए धर सबसे पहला जैसे आप उस टेबल को थोड़ा चेक कीजिए फ्लोरीन का एस आर पी वैल्यू क्या है सबसे अधिक है कितना है बताइए तो एस आर पी वैल्यू सबसे ज्यादा है इसका मतलब है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला टेंडेंसी है वो इस सब में सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने वाला टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर बतलाता है और इलेक्ट्रॉन देने वाला जो गुण होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बतलाता है तो यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कौन कम तो हम कह सकते हैं जो पहला यूज है इसका ये इसमें हम लिख सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनी इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का यदि डिटर्मिनेशन करना है आपको तो आप ई सीरीज़ देख लीजिए जिसका एसआरपी मान सबसे ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनीगेटिव नेचर सबसे ज़्यादा होगा दूसरा फॉर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का क्या मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब हम समझते हैं कि सेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना वैसे ही इलेक्ट्रोपोजिटिव नेचर का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है आई बात समझ में तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को बतलाता है अब बताइए तो किसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा जिसका एस आर पी वैल्यू कम होगा जिसका एस आर पी वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा उसका एस ओ पी वैल्यू उतना ही ज़्यादा अधिक होगा और एस ओ पी वैल्यू ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि वह इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा आई बात समझ में तीसरा इस है इसका फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लास्ट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट याद कीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सब्सटेंस होता है वह केमिकल होता है जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे और रिड्यूसिंग एजेंट वह केमिकल होता है जो किसी दूसरे को रिड्यूस करवा दे ऑक्सीडाइज करवा दे।, कर दे मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले 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 यदि एस आर पी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा रिड्यूस करवा दे यानी जल्दी से उसको इलेक्ट्रॉन दे दे यदि एसओपी वैल्यू ज्यादा होगा या एस आर पी वैल्यू कम होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस तरह से जो पीछे का कंसेप्ट पढ़े सबको जब आप मिलाइएगा ना तो कुछ कंसेप्चुअल चीजें यहां से निकल के आती है यही इसका यूज देखेंगे नंबर एक देखिए द डिटरमिनेशन ऑफ द डिटरमिनेशन ट्रोनेगेटिव फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स पहला दूसरा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अब हम ये नहीं लिख रहे हैं कि एस वैल्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कम होगा तो कम होगा यह सब आप खुद से समझिए समझिएमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेवेंथ में ये सब पढ़े थे याद है आपको और चौथा डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ प्रोसिंग एजेंट इसको बोलते हैं आ रे आप याद कीजिए ये चैप्टर तीन भाग में पढ़ना था सबसे तो पहला पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा था कंडक्टेंस आपको कहा गया था कि सबसे बड़ा पार्ट होता है ये कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये पहला पार्ट इस चैप्टर का समाप्त हो चुका है बोर्ड एग्जाम के ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दूसरा है जो पहला समझ के ही दूसरा हम समझ सकते हैं इसी में आपको फेराडे का लॉ आएगा फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और निमरिकल भी मैक्सिमम यहाँ से रहता है और यहाँ से जो निमरिकल रहता है वो अलग अलग टाइप का निमरिकल रहता है इसके न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए अब इसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे पहले जानिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ठीक उल्टा होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल उल्टा है किसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के देखिए किस मामले में उल्टा है क्यों हमेशा बोल रहे हैं आप इसको समझिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा कि नीचे रिएक्शन हो रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी यहां पर उल्टा होता है आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसको तो केमिकल रिएक्शन होगा इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट जो केमिकल इनर्जी था वो कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल इनर्जी में और यहां पर यहां पर इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्वर्ट करेगा केमिकल इनर्जी यानी हम अब जितना प्रोसेस होगा उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवाएंगे किसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी की मदद और जिस बर्तन में जिस सेल में हम ये काम करवाएंगे वही सेल क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्लियर है ये तो लिखेंगे नीचे इसमें डिफाइन कीजिए इसको डिफाइन क्या इसके बारे में लिखिए लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मिकल रिएक्शन अकर्ट्स इन प्रजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्रब चेंज करके लिखेंगे In this cell, electrical energy is converted into. अब इस बीच में कुछ बात है जिसको पहले आप समझिए आप याद कीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स ये टॉपिक आप पढ़े हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इज ए केमिकल कंपाउंड व्हिच डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कैटायन एंड एनायन इन एक्टर सॉल्यूशन बहुत सारे के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं जो पानी में जाने पर केटायन और एनायन में टूट जाते हैं जैसे एन पानी में डालोगे तो टूट जाएगा एन प्लस में और सी माइनस में एच ये टूटेगा एच प्लस में सी माइनस में एन एच एन ए प्लस में ओ एच माइनस में ये इस तरह से टूट जाता है तो टूटने वाला हर चीज़ केटायन और पानी में केटाइन और एनाइन में टूटने वाला हर चीज़ क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट्स अब आप यह भी याद कीजिए कि सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट याद कीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या होता है ये जिसका 100 परसेंट आयोनाइजेशन हो अब याद करो आपको कहा गया था कि पानी में यदि आप एन का 100 मॉलिक्यूल लेंगे 100 टूटेगा 200 डालेंगे 200 टूटेगा 400 डालेंगे 400 टूटेगा लेकिन एक होता था वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ए सी टी की सी एस थ्री सी ओ ओ एच इसका सौ मॉलिक्यूल डालिएगा तो दो तीन गो टूटेगा उससे ज़्यादा नहीं टूटेगा और आप यह भी याद कीजिए कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा वन हुआ करता था याद है इसमें आपको बस ये बोला गया था कि यदि अल्फा का वैल्यू दे दे आपसे कहे कि नहीं नाइन्टी परसेंट डिसोसिएट होता है तब आप अल्फ़ा का वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन लेंगे याद है ये सब बात बताया गया था अदरवाइज़ यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई चर्चा ना हो या परसेंटेज डिसोसिएशन का कोई चर्चा ना हो तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, के केस में हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो हंड्रेड एसोसिएट हो रहा है और उसके अल्फा का वैल्यू वन है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करता था और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट होता था और इस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डि डिसोसिएट होता था या इसी को हम लोग बोलते थे कि ये पार्शियली डिसोसिएट तो इन सब बातों को आप ऑलरेडी समझे हुए हैं इसको हम लिखाएंगे नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आप एक बार देखिएगा सॉल्यूशन चैप्टर निकाल के उसमें सब लिखा हुआ आपको मिलेगा हर चीज़ जो भी हम बोले वो सब आपको लिखा हुआ मिलेगा तो अब हम आगे का टर्म करते हैं आगे का जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस पहले आप दो तीन वर्ड के बारे में जानिए ये जानना आपके लिए जरूरी है एक टर्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस एक टर्म होता है थर्मोलाइसिस और एक टर्म होता है हाइड्रोलाइसिस और ये तीनों का तीनों टर्म आपको केमिस्ट्री में दर्शन होगा तीनों को आपको समझना जरूरी है यदि आप किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा देखो लेसिस का मतलब होता है तोड़ना हर जगह लेसिस है सब का मतलब क्या होगा तोड़ना और यदि आप इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तोड़ते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसी को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस वो इसका मतलब हीट होता है यदि आप किसी भी चीज़ को हीट के द्वारा तोड़ेंगे तो ये कहलाएगा थर्मोलाइसिस गर्म करके या नाम सुने होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन का भी मतलब यही होता है हीट के द्वारा तोड़ना और एक होता है हाइड्रोलिसिस यहाँ हाइड्रो का मतलब वाटर से यदि आप किसी चीज़ को पानी के द्वारा तोड़ते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है हाइड्रोलिसिस जैसे यदि हम दो एग्जाम्पल हैं अभी आपको हेरिंग उरिंग नहीं ना डाले घी गाभी में तभी हम ऐसे बस समझाने के लिए लिख रहे हैं बाद में हम मेन टॉपिक लिखेंगे जैसे यदि हम हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी आपको लिखना नहीं है बस अभी देखिए चुपचाप जैसे एन ए सी एल एन ए सी एल यदि लिक्विड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में जा सकता है ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है एन ए सी एल को 900 सौ डिग्री सी पर गर्म कीजिएगा तो ये पिघल जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो वहाँ पर जाके ये पिघल जाता है पिघला के और उसमें आप दो रॉड डाल के प्लस माइनस डाल दीजिए यानी आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं वहाँ पर तो जब आप करंट दीजिएगा ना इसको तो ये रिएक्शन करके आपको बना देगा एने सॉलिड प्लस हाफ सी एल टू ये गैस बन के उड़ जाता है और ये सोडियम जो है वो किसी रॉड पर जाके सट जाता है चिपक जाता है ये सब कैसे होता है यही आपका पूरा सिलेबस है अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो तो यहां पर NaCl को किस चीज के द्वारा तोड़ा गया करेंट के द्वारा तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस लेकिन यदि इसी एन को चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो किसी भी स्टेट में हो आप उसको रख दीजिए पानी में वाटर में आप जैसे ही रखोगे ये टूट जाएगा एने प्लस में और सी एल माइनस में ये एक्वस यहाँ लिखा हुआ मिलेगा जहाँ एक्वस का मतलब है कि वो पानी में जाके घुल गया है वो नीचे में जाके बैठा नहीं है ये सी एल माइनस है ये भी एक्वस तो जैसे ही आप एन को पानी में डाले तो ये टूट गया एन और Cl- में तो ये किसके द्वारा टूटा है वाटर के द्वारा तो इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस अब यदि हम सी थ्री की बात करें इसको यदि आप हीट दीजिएगा ना तो ये टूट जाता है सी ए सॉलिड में प्लस सी टू गैस में पता ये रिएक्शन तो यहाँ भी नहीं हर जगह रिएक्शन हुआ है ऊपर वाला भी केमिकल सब ये सब केमिकल रिएक्शन है अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ डी एसो थ्री डिकम्पोज करके दो डिफरेंट कंपाउंड में बदल गया कैल्सियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में इस चीज़ के द्वारा टूटा हीट के द्वारा तो इसको क्या बोलेंगे थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट आप ये बताइए कि आप जो ये तीनों वर्ड समझें मतलब तीनों वर्ड सुने क्या इसको आप समझ पाए कि ये क्या है हमारा पूरा का पूरा जो अब टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो सब का सब फोकस करेगा किसको? इलेक्ट्रोलाइसिस को तो इसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन को कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है तो आप हेरी डालिए तो सब बैच में सब बैच में तो छुट्टी देना पड़ेगा ट्वेल्थ में आप लोग का एग्ज़ाम है पिछले बैच में दस तक छुट्टी मिला है आप लोगों को भी दस तक ही चाहिए या थोड़ा बहुत चलेगा इधर कोई चीज़ पीछे हो जाएगा पीछे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है परेशानी है क्या पीछे होने पर इसमें मकड़ा झोल लगा देता है और उसके बाद ऑटो फोकस में मकड़ा का जाल पकड़ लेता है बोर्ड को लेता ही नहीं है हो गया है मकड़ा भी तो क्या ये भी गड़बड़ी आ ही रहा है अच्छा ये बताओ कोई कोई कहता है सत्रह तक एग्जाम है कोई कहता है दस तक एग्ज़ाम है ये क्या सीन है एग्जाम का झूठ बोल रहा है कब तक पेपर रियल में कब तक पेपर है दस तक तो सब देखो नो बोल रहा है तुम लोग अब जानो यार हाँ ah, बतिया हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं पहला लिखा गया है कि वैन केमिकल रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और करके लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स का ही डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है इसीलिए इस टर्म में भी लिखा जा सकता है इसीलिए दूसरा टर्म लिखा गया है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस इसका जो आपका मेन एग्जाम्पल है वो आगे लिखा हुआ है लिखेंगे तीनों एग्जाम्पल जो भी हम लिखे थे लेकिन ऊपर वाला मेन इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल चेंज चेंज करेंगे इसको अभी छुट्टी लेने में मजा आएगा बहुत तुमको अभी छुट्टी लेने में मजा आएगा दुर्गा पूजा में दिवाली में छठ में इस समय बहुत मन लगेगा जब तुम्हारे एग्जाम का टाइम आएगा ना छट पटा जाओगे उस टाइम अभी बता दे रहे हैं इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे नॉर्मल वे में चलने दोगे तो कभी तुमको छठ पटाने की जरूरत है ही नहीं लेकिन बीच बीच में जैसे कहोगे कि दुर्गा पूजा दिवाली और छठ एक के साथ होने दीजिए समझ लो गया तुम फिर तुम्हारा क्या होगा केमिस्ट्री में वो तुम देख लेना चेंज कर देंगे इसको तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेन एग्जाम्पल है वो ये है ये दोनों एक्स्ट्रा बात हम इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए अच्छा एक और चीज देखिए तो यहां पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना है एने सॉलिड यहां पर जब हाइड्रोलिसिस हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बना Na है एन ए प्लस आयन एक सॉल्यूशन में मिला हुआ है और यहाँ पर शुद्ध सॉलिड का निर्माण हो रहा है तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन का मेथड बदला तो प्रोडक्ट भी ना बदल गया ये दोनों है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये दोनों है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस यहाँ तो कंपाउंड ही बदल दिए ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ थर्मोलाइसिस अब आप कहते कि सर सुनिए अब आप कहते कि सर एन का ही करार दीजिए थर्मोलाइसिस ये थर्मोलाइसिस तो एन अपने आप में स्मॉल कंपाउंड है ये ये सी एस सी थ्री की तरह से टूटता उठता नहीं है तो हम लोग यहां पर इनसील का एग्जाम्पल नहीं ले सकते थे जो टूटेगा जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा उसी को उसी का हम लिखेंगे आप ये लि... इसको लिख चुके हैं क्या इसको लिखें तो यहां पर आप एक और लिखेंगे रिएक्शन जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें NACL किस स्टेट में है लिक्विड स्टेट में मोल्टेन स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ लेकिन अब उसी केमिकल रिएक्शन में हम यदि ऐसा लिखें इधर देखिएगा यदि हम एक अगला एग्जाम्पल में ये लिख दें NACL और यहां पर लिख दें सॉलिड पीछे जगह नहीं बनेगा लिखे पहले इसको खत्म कीजिए तो हो गया कौन चोची आ है लिखिए जल्दी तुम तो लोग चोरी भी कैसे करोगे एग्जाम में सामने में लिखा हुआ रहता है देखने का आगे बैठ जाए कट्टा कहेंगे देखिए इधर यदि आप इसी केमिकल रिएक्शन में NaCl यदि आप सॉलिड ले, ले लेते हैं और यहां पर करंट देते हैं यहां पर रिएक्शन नहीं होगा कोई तो रिएक्शन तो ये टॉपिक भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान दीजिए इधर यहां पर थोड़ा बताइए तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या है सोडियम जो कि सॉलिड फेज में बना है और क्लोरीन जो कि गैस में बना है यही ना है हम थोड़ा ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट किन किन बातों पर निर्भर करता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर हम अब थोड़ा सा काम करेंगे इसी सिलसिले में हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप एन सॉलिड ले लीजिए और उसमें करंट डालिए तो वहां पर किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जबकि इसी एनए को आप मेल्ट कर दीजिए और मेल्ट करने के बाद दो बार और डाल के एक प्लस माइनस करके उसमें करंट दे दीजिए तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है जैसे सबसे पहला डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर तीसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर उस सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फिलहाल कुछ एग्जाम्पल समझिए जैसे मान लीजिए कि हम तीन अलग अलग बर्तन लेते हैं इसमें रखा हुआ है सॉलिड एनेस आप इसमें दो रॉड डाल दीजिए और करेंट डाल दीजिए इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा लेकिन एक दूसरा बर्तन लीजिए इसमें आप NaCl डाल दीजिए और ये मेल्ट किया हुआ NaCl है यानी किस स्टेट में है ये लिक्विड स्टेट में इसमें दो रॉड डाल के करेंट डाल दीजिए एक प्लस है एक माइनस है जो भी एक प्लस माइनस मान लो हालांकि एक फिक्स यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा यहाँ पर एक रॉड पर सोडियम सट जाएगा और एक रॉड से कौन निकल जाएगा सी यही सब बात तुम आगे पढ़ोगे कि ये सब कैसे होगा और एक तीसरा यदि आप इक्व सॉल्यूशन ऑफ एन यहां पर आप दो रॉड डाल के इसको आप सेल से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहां भी होगा इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस दो केस में हो सकता है एक हो सकता है मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें और दूसरा हो सकता है इक्व सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आप यदि किसी भी इलेक्ट क्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं तो आपको केवल दो ही स्टेट रखना पड़ेगा कौन कौन एक लिक्विड स्टेट और दूसरा एक सॉल्यूशन आइए हम थोड़ा इस पर बात करें मान लीजिए कि यहाँ पर नमक का एक ढेर लगा हुआ है एक लोहा का रॉड इधर डाल दिए एक लोहा का रॉड या प्लेटिनम का रॉड प्लेटिनम का रॉड एक मान लो इधर डाल दिए एक प्लेटिनम का रॉड मान लीजिए इधर डाल दिए और आप करेंट इसमें दे दिए मान लीजिए बोर्ड से एक पलख निकाल के लाए और दो तार इसमें जोड़ के स्विच को ऑन कर दिए अब यदि आप इस नमक को बीच में इस नमक को छूएगा ना तो इस नमक में को छूने पर आपको करंट नहीं मारेगा इसलिए करंट नहीं मारेगा क्योंकि सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है अब हम इसके पीछे के साइंस पढ़ जाएंगे कि क्यों नहीं पॉसिबल है यदि इलेक्ट्रोलाइट्स सॉलिड है तो उसमें एन प्लस और सी एल माइनस आपस में सटा हुआ रहेगा यानी ये आयनिक कंपाउंड तो है लेकिन ये आयन के रूप में खुला हुआ नहीं है आयन फिक्स है एन ए प्लस और सी एल माइनस के रूप में और स्थिर है यदि आयन स्थिर रहे तो वैसी स्थिति में एक रॉड से इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे रॉड पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस बीच में इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने का काम आयन करता है नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन करता है तो ये तो मुक्त ये तो धातु है नहीं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यदि इसके पास आयन होता तो निश्चित रूप से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आता दूसरी तरफ चला जाता है लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या हो रही है सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में इसका सारा का सारा मॉलिक्यूल सब का सब आयन स्थिर है जिसकी वजह से आयन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और आयन में मूवमेंट होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो अपने से चल के दूसरे रोड पर जाएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो ले जाना पड़ेगा किसी ना किसी को तो वैसी स्थिति में यहाँ पर सॉलिड एनेशियल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग कोई नहीं कर पाता है इस वजह से सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है यह एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है यही बात समझ में लेकिन इसी को जब आप मेल्ट कर दीजिएगा तो मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड स्टेट में आ गया लिक्विड स्टेट में आयन जो है मूवेबल नहीं है वो एक रॉड से दूसरे रॉड की तरफ जाएगा और ऐसी स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना संभव है और यदि आप इक्व सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें तो एन और सी एल आसानी से टूटेगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों केस में संभव है जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट कर देते हैं या लिक्विड स्टेट में लेके चले जाते हैं तब या फिर उसी का इक्व सॉल्यूशन बना लें तब लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है क्यों बिकॉज आय नॉट बिकॉज आयस आर नॉट मूवेबल इन दिस केस बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट फ्लो इन दिस सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये सब बात हम कह सकते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बात आपको दिमाग में रखना है तो अभी से सेट कर लीजिए दिमाग में कि इलेक्ट्रोलाइसिस केवल दो ही केस में पॉसिबल है इस किस केस में एक लिक्विड स्टेट मतलब मोल्टे स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा इक्वल सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर है ये स्टार लगाइए हेडिंग डालिए तो देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस product of electrolysis. product of electrolysis depends on the following factor. product of electrolysis depends दॉलोइंग्टर जो सबसे पहला है वह है बताइए क्या क्या बोले थे इस्टेट ऑफ एलेक्ट्रोलाइट्स जो दूसरा है वह है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और तीसरा है इलेक्ट्रोड पोटेंसी आप पहला चीज़ देख चुके हैं फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को ही समझिए एक एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेचर का होगा और एक इलेक्ट्रोड निगेटिव नेचर का होगा तो बताइए पॉजिटिव जैसे एन का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो एन प्लस और सी में बदलेगा तो बताओ तो सी एल जाएगा इस पर तो यहाँ पर सी बनेगा और एन ए प्लस कहां जाएगा निगेटिव वाले पर तो यहाँ पर एन बनेगा कौन इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है उसके हिसाब से वहां पर प्रोडक्ट बनेगा अब जैसे हम निगेटिव इलेक्ट्रोड पर कहते हैं कि सी निकलेगा ये कभी भी पॉसिबल है वो तो एक दूसरे को रिपेल कर देगा इस पर ज़्यादा काम आपको नहीं करना ये एक नॉर्मल सी बात है जिसको समझ लेना है ये भी एक नॉर्मल सी बात है जिसको समझना है इसको भी ये भी एक नॉर्मल सी बात है समझ लेना इस पर कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना है बस एक कॉमन सेंस है जिसको आपको दिमाग में रखना है ताकि आपको आगे के कंसेप्ट में दिक्कत ना हो और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कैसे डिपेंड करेगा जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही तेज ना होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना ज़्यादा तेज होगा केमिकल रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और केमिकल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफी तेज से तेजी से होने होने लगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस तेजी से होने लगेगा तो तेजी में सोडियम बनेगा धीरे धीरे होगा कम पोटेंशियल रहेगा तो धीरे धीरे होगा इसीलिए कहा गया कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है फिजिकल स्टेट पर इस पर इस पर इस पर तो कुछ लिखना भी नहीं इस पर एक आध लाइन लिख लेता है नीचे रो दीजिए लिखे तो लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स electrolysis of solid electrolytes are not possible are not possible because because current because current does not flow because current does not flow solid electrolytes because current does not flow in solid electrolytes but in case of molten state of electrolytes molten but in case of molten state

because because current pass through the because current pass through the aqueous of electrolytes because current pass through the aqueous solution of electrolytes और मोल्टे स्टेट ऑफ नीचे नोट में लिख लेंगे ये सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करंट का फ्लो होता है बिकाउज आय नॉट मूवेबल इन केस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स लेकिन वहां पर क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्योंकि वहां पर आयन जो होते हैं वो मूवेबल नहीं होते नोट में लिखिए तो लिखेंगे आयंस आर नॉट मूवेबल आयंस आर मूवेबल ऐसे मूवेबल मतलब गति नहीं हो मतलब मूवेबल मतलब जिसमें गति हो नॉट मूवेबल मतलब गति नहीं हो लिखेंगे आयंस आर नॉट मूवेबल इन केस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स ions are not movable in case of solid electrolytes hence hence current does not flow in this case hence current does not flow in this case अब इसको पूरा क्या लिखेंगे आगे अब आगे ये लिखेंगे कि आयस आर मूवेबल इन केस ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और सोल्यूशन ऑफ एक्सलोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये सब बात समझने वाला है झूठ मूठ का कॉपी मत भड़िए क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो अभी ओवरऑल ये इलेक्ट्रोलाइसिस में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आया वो ये इलेक्ट्रोलाइसिस मात्र दो ही केस में पॉसिबल है किस किस केस में केस वन ऑल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और केस टू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों केस को अब हम शुरू करेंगे लेकिन ये शुरू आज नहीं करेंगे कल भी नहीं करेंगे परसों भी नहीं करेंगे कब करेंगे ग्यारह को क्या हुआ एग्जाम दे के आइए उसके बाद देखते हैं बीच में टाइम मिलेगा तो बार रिवाइज कर लेना ग्यारह तारीख को आना है ठीक है और सुन लो सुनो ना इधर ग्यारह का मतलब ग्यारह होता है तो बारह तेरह चौदह करोगे तो ही समझ लेना कि तुम्हारे भरोसे हम रुकेंगे नहीं हम तो अभी भी छुट्टी देने के पक्ष में नहीं थे लेकिन दिक्कत है कि बिना मतलब का बहुत जिनको मोबाइल नहीं है उनके साथ दिक्कत हो जाएगी आइए ग्यारह तारीख ग्यारह तारीख को दिन कौन सा है जी पहले दिन थोड़ा देखो तो फर्स्ट डे है ठीक है आइए ग्यारह को